अस्सलामुअलैकुम क्लास थ्री उर्दू के 41वें 41 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है, इसको आप अपने सामने रखिए। और मैंने फ्राइडे के दिन यानी के लास्ट डे आपको होमवर्क दिया था कि आपने गिनती याद करनी है 21 से 30 तक हिंसों और अल्फाज में। उसका टेस्ट लेने को आज बोला था तो मैं आज आपका टेस्ट ले रही हूँ। आप अपनी किताब सदाबहार को अपने सामने रखिए और टेस्ट उर्दू इस्लामियात की टेस्ट कॉपी निकालिए और उस पर उर्दू डेट लिखिए। आज की डेट क्या है? 28/9/2020। उर्दू टेस्ट लिखें पहले कॉपी के ऊपर। डेट क्या है? 28/9/2020। ये आपने आज की डेट लिखनी है, सही है बेटा। और अब मैं आपका गिनती का टेस्ट ले रही हूँ। आपने टेस्ट कॉपी में किसान आना है, इसको आप देखिए और फिर उसको आपने कैश कॉपी में करना है। मैं आपको कॉलम बना के दे रही हूँ। सवाल आपका होगा गिनती 21 से 30 तक सवाल है। आपने तीन कॉलम बनाने हैं, सही है? एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीन कॉलम, सही है? इसमें आप गिनती लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप इनसे लिखेंगे और यहाँ पर अल्फाज लिखेंगे, सही है बेटा? आप क्या करेंगे, अब मैं जैसे दे रही हूँ इसको आपने इसी तरह करना है। सवाल को मैं ज़रा चेंज कर रही हूँ। इस तरह मैं दे रही हूँ, अब इसको देख लीजिए एक नज़र। इसमें आपने इसका हिंसा लिखना है 21 का, फिर सही है, फिर 22, इसको आपने अल्फाज में लिखना है। 23,
हिंसा लिखना है। 24 ये 21 से आपने जो 8 डैश खाली है उसका आपने लिखना है। 21 को आपने यहाँ पर हिंसम लिखना है, 22 को यहाँ पर आपने अल्फाज में लिखना है, 23 को यहाँ पे आपने हिंसे में लिखना है, 24 को यहाँ पर आपने 24 में अल्फाज में लिखना है, 25 को यहाँ हिंसों में लिखना है, 26 को यहाँ पर अल्फाज में लिखना है। इस तरीके से करना है। 1, 2, 3 आपने हिंसों में लिखने हैं और 1, 2, 3 आपने अल्फाज में। सही है, आपने इस तरह से लाइन थोड़ी करना है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। सही है, आपको बात समझ में आई होगी क्लास 3 किस तरीके से ये करना है। और ये टेस्ट आपने उसके बाद करना है, किसके बाद? लेक्चर ख़त्म होने के बाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा जो मैं आपको लेक्चर के बाद आपको दे दूँगी। सही है बेटा, ये आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब मैं आपको जो आगे चीज़ आपको याद करवा रही हूँ वो सबक जानवरों से बर्ताव के मैं सवाल जवाब आपको करवा रही हूँ, आपने उसको याद करना है। इसका नाम क्या है? जानवरों से बर्ताव। जानवरों से बर्ताव, इसके सवाल जवाब क्या हैं? सवाल नंबर 1 है इसका, हज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे?
सही है इसका जवाब अभी कॉपी में हुआ हुआ है, क्या जवाब है इसका? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ फरमाते? अपने सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमाते। हुजूर अकरम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान तशरीफ फरमाते। सही है, पहला सवाल क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। एक सवाल आपने ये याद करना है। दूसरा, सहाबा ने आसा सल्लम से क्या सवाल किया? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसा सल्लम से क्या सवाल किया? सही है, आसा सल्लम से सहाबा कराम ने आसा सल्लम से क्या सवाल किया? अब ये बताएं मुझे, कौन बच्चा बताएगा के आसा सल्लम ने से सहाबा कराम ने क्या सवाल किया? इसका जवाब क्या है? सहाबा रज़ी अल्लाह ने सवाल किया कि क्या जानवरों से अच्छा सलूक करने पर सवाब मिलेगा? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया कि क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें सवाब मिलेगा, करने पर सवाब मिलेगा, ये सवाल किया था। सही है, ये दो सवाल हो गए। हुज़ूर अकरम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमाते? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किया? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर सवाब मिलेगा? सही है, ये दो सवाल हो गए और एक सवाल और है। तीन सवाल मैं आपको याद करवा रही हूँ। बल्कि दो सवाल और खाले अल्फाज मानी। सही, दो सवाल याद करवा रही हूँ, अल्फाज मानी याद करवा रही हूँ। हुज़ूर अकरम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमाते? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते। सहाबा ने आसा सल्लम से क्या सवाल किया? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि क्या जानवरों से अच्छा सलूक करने पर सवाब मिलेगा? सही है, ये दो सवाल हो गए और मैंने अल्फाज मानी। पहला क्या है? कुआं, कुआं कहते हैं पानी का खोदा हुआ घड़ा। पानी का खोदा हुआ घड़ा, शिद्दत
सकती। तीसरा बेताब बेचैन। नंबर चार सलूक बर्ताव। भलाई नसीहत नसीहत भलाई भलाई की बात। पांच जो हैं वो अल्फाज मानी याद करने हैं और सवाल जवाब याद करने हैं। कुआं पानी का खोदा हुआ गड़ा, शिद्दत सख्ती बेताब बेचैन सलूक बर्ताव नसीहत भलाई की बात। सही है। एक और लफ्ज है अल्फाज मानी सवाब। सवाब क्या होता है? नेक काम का बदला। अगर आपको अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह आपको सवाब देगा, आपको इसका इनाम देगा। सही है। अब मैं आपको डायरी लिखा रही हूँ, आपने सबक जानवरों से बर्ताव के अल्फाज मानी और सवाल जवाब याद करने हैं। सबक जानवरों से बर्ताव के अल्फाज और सवाल जवाब एक दो याद करना है। बुध को डायरी सबक जानवरों से बर्ताव के अल्फाज मानी और सवाल जवाब एक दो याद करना है, बुध को टेस्ट होगा। सही है। यहाँ पे आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 41 यहाँ पर ख़त्म होता है। सही क्लास, इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। खुदा हाफिज़ क्लास।